Even embryology, cleavage. First the contents, meroblastic cleavage, radial cleavage, and the plan of cell division. So first, let me discuss the what is a cleavage. Students, cleavage is actually a stage of embryonic development. तमाम animals के अंदर जब भी animals जो है वो sexual reproduction के through produce होते हैं तो उनके अंदर जो first सेल डिवीजन की स्टेज है जाइगोट में के बाद दैट इज़ द एक्चुअली द क्लीवेज है. अच्छा, इन जनरल कंसेप्ट भी आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के बाद कहेंगे जी जाइगोट बन गया है. जाइगोट को फर्टिलाइज एग भी कहते हैं. उसके बाद जाइगोट ने डिवाइड करना है. जाइगोट की सेल डिवीजन जब स्टार्ट होगी वो प्रोसेस जो है दैट इज़ कॉल्ड द क्लीवेज है. क्लीवेज का जो प्रोसेस है ये आमतौर पर एक खास पैटर्न से होता है और इसको दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं. नंबर वन, अमाउंट ऑफ योक, एंड नंबर टू, ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट ऑफ जो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो. तो स्पिंडल फाइबर के हिसाब से जो होती है इसकी जो वो डायरेक्शन जो होती है सेल की डिवाइड करने की वो डिसाइड होगी. अच्छा, तो जो पैटर्न जो लाइन्स हैं क्लीवेज की वो ऑलमोस्ट सब ग्रुप्स के अंदर सेम हैं. वो हम आगे जब करेंगे उसको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने उसको जो फर्स्ट क्लीवेज की लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस तरह से जो वो चलेंगी. तो एटलीस्ट फोर्थ या फिफ्थ तक जो क्लीवेज की लाइन है वो सेम है. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्लीवेज इन एवियन सेल्स या एवियन एम्ब्रियो दैट इज़ द दे आर हैविंग मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. यानी मीरोब्लास्टिक का मतलब ये होगा कि ऐसी क्लीवेज जिसमें जो जाइगोट है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू टू सेल्स, बल्कि उसका बहुत सारा पोर्शन जहाँ जाइगोट मौजूद है वो डिवाइड ही नहीं करता है. इस वजह से ऐसे सेल जो कम्प्लीटली डिवाइड कर जाते हैं दे आर होलोब्लास्टिक. तो बिकॉज द बर्ड्स द एवियन दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ योक सो देयर क्लीवेज इज एक्चुअली द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है. अच्छा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में भी दिस इज द एक्सट्रीम टाइप. यानी इसमें मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो योक ने कवर किया हुआ है, वो सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन है जहाँ सेल डिवीजन हो रही होती है. तो यूँ समझे एक बड़ा सा एरिया है, उसके ऊपर छोटी सी एक जो है वो लेयर है जहाँ सेल डिवीजन हो रही है. तो सेल डिवीजन के रिजल्ट के तौर पर एक डिस्क सी बन जाती है सेल्स की. इसी वजह से हम इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम देते हैं. यानी एवियंस के अंदर जो क्लीवेज होगी वो मीरोब्लास्टिक तो है ही है, यानी लेकिन इसके साथ क्या है वो उसके डिस्कॉइडल यानी कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम के ऊपर एक साइड के ऊपर जाओ एक सेल्स डिवाइड करेंगे, बाकी सारा एरिया जो है वो योक कवर किए रखेगा. रेडियल क्लीवेज एम्फीबियन बर्ड्स के अंदर जो है वो जो प्लान ऑफ सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन की जो सेल्स की अलाइनमेंट है अगर हम उसको देखते हैं तो दैट इज़ द रेडियल क्लीवेज. रेडियल क्लीवेज का जो पैटर्न है ये ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स है. रेडियल क्लीवेज में ये पैटर्न है जो तमाम यानी कि ड्यूटेरोस्ट्रोम्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें लोअर टायर्स ऑफ सेल्स जो हैं उनके ऊपर जो अपर टायर ऑफ सेल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर मौजूद है. यानी नीचे सेल बिल्कुल इसके ऊपर दूसरा सेल है, सेकेंड सेल इसके ऊपर बिल्कुल दूसरा अपर लेयर वाला सेल मौजूद है. तो सेल्स के ऊपर सेल्स जो वो यानी क्लीवेज लाइन जो है वो इक्वली जो है वो पास ऑन करती है अपर एंड लोअर टायर्स ऑफ सेल में से. तो ये एक प्रॉपर्टी है जो एक रेडियल क्लीवेज जो है वो ये ड्यूटेरोस्ट्रोम्स की जो है प्रॉपर्टी है. तो बर्ड्स जो हैं ये एक्चुअली ड्यूटेरोस्ट्रोम का ही पार्ट हैं. हाउ द क्लीवेज इज प्रोसीडिंग, क्लीवेज किस तरह से प्रोसीड करेगी, कहाँ से स्टार्ट होगी. पहली बात ये कि बर्ड्स में तो जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर एरिया जो है योक ने कवर किया है, तो जो क्लीवेज होनी है वो सारी की सारी वहीं होनी है, उस थोड़े से एरिया में होनी है जहाँ साइटोप्लाज्म मौजूद है, जहाँ सेल का न्यूक्लियस मौजूद है. सबसे पहले जो क्लीवेज होगी, अगर ये सेम वही पैटर्न है जिस तरह तमाम ग्रुप्स के अंदर है कि ये वर्टिकल होगी एंड इट विल डिवाइड वन सेल इनटू टू सेल्स. दूसरी क्लीवेज जो होती है वो इसके बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में आती है. तो इस तरह से एक सेल से वन सेल से टू सेल्स बने, टू सेल से आगे फोर सेल्स बन जाएंगे. थर्ड क्लीवेज होती है वो आमतौर हॉरिजॉन्टल होती है, तो इससे सेल्स के दो टायर्स बनते हैं, फोर सेल्स ऊपर रह जाते हैं, फोर सेल्स जो हैं वो नीचे रह जाते हैं. और इसके बाद जो फोर्थ क्लीवेज होती है वो अगेन वर्टिकल होती है, हर सेल को दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जब उसे 14 सेल जो वो 16 सेल जो वो स्टेज आ जाती है. हियर वी हैव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. अगर हम देखें ये हम एग को उसके टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, और ये वो छोटा सा एरिया है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सबसे जो पहली क्लीवेज है वो आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल ये वर्टिकल क्लीवेज है,
दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, लेकिन नीचे से जो योक है वो डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज, ये क्लीवेज मसल सेल जब सेल डिवाइड करते चले जाएंगे, एंड वी आर हैविंग अ बॉल ऑफ सेल एट द टॉप। हमारे पास सेल की जो अगर आप देखें तो हमारे पास एक सेल जो है एक सेल का छोटा सा ग्रुप एक टॉप पे बन जाता है, इसी वजह से हम इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। कि बाकी जो योक वाला एरिया वो डिवाइड ही नहीं करता है, छोटी सी जो है सेल्स जो होते हैं वो थोड़ी अमाउंट में ऊपर जाए वो टॉप पे बन जाते हैं। अगर हम इसका साइड व्यू दें तो यहाँ हमारे पास अगर ये एक बहुत बड़ा एग है, तो इस एग की सिर्फ जो टॉप लेयर है वहाँ थोड़े सारे जो है वो सेल्स जो है वो एरिया जहाँ सेल डिवीजन हो रही है, बाकी सारे सारे एरिया जो है इट इज़ कवर्ड बाई द योक।